हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको हाइड्रोमीटर से वाइन की ग्रेविटी और अल्कोहल के कितने प्रतिशत उसमें अल्कोहल है वो चेक करना बात आएंगे। वो सारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि कैसे इसकी ग्रेविटी चेक की जाती है। और दोस्तों आज आपको पूरा बताऊंगा कि कितनी ग्रेविटी होने पर इसकी कितने प्रतिशत अल्कोहल हमको प्राप्त होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने सादा पानी लिया हुआ है इसको चेक करने के लिए। और दोस्तों ये देखिए जी मैंने थोड़ी चीनी ली हुई है। ये पहले हम सादा पानी की ग्रेविटी चेक करेंगे, उसके बाद में जब चीनी घोल कर फिर पानी की दोबारा चीनी वाले पानी की ग्रेविटी हम चेक करेंगे। और दोस्तों ये हाइड्रोमीटर है हमारा जिसके साथ हम ये इसकी ग्रेविटी चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों ये हाइड्रोमीटर बहुत ही कच्चा होता है, इसका कांच इसको बहुत संभल कर यूज करना होता है, नहीं तो ये थोड़ा सा भी ये टकरा जाने से जहाँ से गिर जाने से उसी समय ये टूट जाता है। तो इसको केयरफुली यूज कीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए इसका टेम्परेचर जो चेक करने के लिए गोल का ये नीचे बताया हुआ है कि कितना होना चाहिए, ये 60 सेल्सियस से ये 60 फाल लिखा हुआ है। तो अब इसके साथ में मुझे दोस्तों थर्मामीटर भी मिला था। तो दोस्तों हाइड्रोमीटर डालने से पहले आप इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको इसके ऊपर लिखे हुए नंबर वगैरह दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये देखिए इसके ऊपर ये बियर की अभी बात आया हुआ है कि बियर की ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए। यह हाइड्रोमीटर के ऊपर ये देखिए ये लिखा हुआ है, इससे हमें आसानी हो जाती है पता लगाने में कि बियर में कितनी हमको ग्रेविटी रखनी है यानी कितनी शुगर डालना है। तो ये देखिए बियर और ये देखिए ये वाइन का भी दिया हुआ है, टेबल वाइन लिखा हुआ है। ये देखिए ये भी बात आया हुआ है कि वाइन में कितनी हमको ग्रेविटी रखनी है। तो दोस्तों ये बहुत हेल्पफुल ये थर्मामीटर है। और ये देखिए इसके पीछे दोस्तों ये अल्कोहल का कितना प्रतिशत अल्कोहल मिलेगा ये भी पीछे बात आया गया है। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए पहले हम पानी की ग्रेविटी चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम चीनी घोल कर पानी में उसकी ग्रेविटी चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी ग्रेविटी होने पर कितनी अल्कोहल हमको प्राप्त होगी। तो ये देखिए दोस्तों ये प्लास्टिक का कप साथ में मिला था थर्मोमीटर के, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कितने ग्राम पानी आपने डाला इसमें। तो दोस्तों जब पानी आप इसमें कप में डालो तो ये नली में पानी डालो तो दोस्तों थोड़ा इसे गले के नीचे ही रखो क्योंकि ये हर हाइड्रोमीटर इसमें डालने से ये पानी ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों हाइड्रोमीटर को इसमें डालकर थोड़ी देर वेट कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और बाद में थोड़ा देर इसको सेट हो जाने के बाद इसकी ग्रेविटी चेक कीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा पानी और मैं डाल देता हूँ, उसको पूरा भर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये ग्रेविटी हमको जो इसकी मिल रही है ये सादा पानी की, ये देखिए ये है 1000। ये देखिए इसकी ग्रेविटी 1000 इसकी ग्रेविटी आ रही है। तो दोस्तों जब वाइन फर्मेंटेशन होकर रेडी हो जाता है तो उसका भी ग्रेविटी यही आता है 1000। तो दोस्तों चलिए अभी हम इसमें चीनी घोल कर चीनी वाले पानी की ग्रेविटी चेक करते हैं और बताता हूँ कि कितनी ग्रेविटी होने पर कितनी अल्कोहल हमको प्राप्त होती है। तो पहले ये चीनी इसमें मैं घोल लेता हूँ, नली में डालकर इसी तरह चीनी को घोल लूँगा। तो दोस्तों ये देखिए चीनी नीचे बैठ चुकी है, अभी हम इसको अच्छी तरह पानी में घोल देंगे।
तो दोस्तों ये देखिए चीनी पानी में पूरी ही तरह घुल चुका है। अभी हम इसमें हाइड्रोमीटर डालकर इसकी ग्रेविटी चेक करते हैं कि ये चीनी मिले पानी की क्या ग्रेविटी आता है। तो इसको भी थोड़ा और पानी में डाल देता हूँ इसमें। तो दोस्तों यह देखिए, पहले दोस्तों ये हाइड्रोमीटर बिल्कुल नीचे बैठ गया था जब हमने पानी की ग्रेविटी चेक करने के लिए डाला था, तो अभी देखिए ये कितना ऊपर उठ चुका है क्योंकि हमने इस पानी में चीनी मिला दिया था। तो दोस्तों ये देखिए इसकी ग्रेविटी, देखते हैं हम कितनी इसकी चीनी मिले पानी की ग्रेविटी आ रहा है। तो दोस्तों 80 इसकी ग्रेविटी आ रहा है, यानी 1080 इसकी ग्रेविटी आ रहा है। दोस्तों ये देखिए ये 80 लिखा हुआ है, सिर्फ ये 1080 है दोस्तों। तो दोस्तों दिखाता हूँ आपको कि 80 की ग्रेविटी आने पर इसमें से हमें अल्कोहल कितनी प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये पीछे देखिए, इसके पीछे ये अल्कोहल का बताया हुआ है कि कितने परसेंट हो अल्कोहल हमको मिलेगी। दोस्तों ये देखिए, अगर इसकी 80% होगी इसकी ग्रेविटी, तो ये देखिए हमको 10 और 9.5 के बीच में ये अल्कोहल प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये देखिए, अगर इसकी 1100 ग्रेविटी होती है तो ये पूरे 12% अल्कोहल मिलेगी। ये देखिए इसके पीछे ये 12% शो हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही सौखा तरीका है अल्कोहल और ग्रेविटी चेक करने का, ये हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों फर्मेंटेशन से पहले अगर हमारी वाइन की ग्रेविटी 180 है या 190 है, तो दोस्तों फर्मेंटेशन हो जाने के बाद इसकी ग्रेविटी 1000 हो जाएगी। जब इसकी ग्रेविटी 1000 हो जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि वाइन रेडी हो चुकी है पीने के लिए। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे इसकी ग्रेविटी चेक की जाती है और कैसे पता लगाया जाता है कि इस वाइन में अल्कोहल कितने प्रतिशत हमको प्राप्त होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों कुछ भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।